चलें सारे क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यस बॉस। सर आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रेलिवेंट कॉस्टिंग, बोले तो वेरिएंसेस। रेलिवेंट कॉस्टिंग बोले तो वेरिएंसेस। अच्छा सर, सर आपके सिलेबस के अंदर, आपके एग्जाम्स के अंदर, सिलेबस के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग। सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है बॉस? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग। तो हम इसको एक साथ ही पढ़ते हैं, हम इसको एक साथ ही पढ़ते हैं, एक साथ ही पढ़ाया जाता है इसको। चले सर भाइयों, अभी से लेके आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। अच्छा, ऑल दो ये आप लोगों ने एफ टू के अंदर एम ए के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि सर जैसे आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि पढ़ा हुआ आपको हो सकता है गैप भी आ गया हो, या कुछ बच्चों ने एग्जेम्पशन भी ले लियो, अच्छा जी, तो सर हम इसको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे। इम्तिहान में वो चीज़ें आ जाती हैं एफ टू वाली, एम सी क्यूज के अंदर तो डेफिनेटली आती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो देखी गई हैं। चले सर स्टार्ट करते हैं बॉस। सबसे पहले हम इस वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट बनाते हैं बॉस। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, अज्यूमिंग कि आप लोगों ने कभी जिंदगी में वेरिएंसेस का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम भी नहीं सुना। अच्छा बॉस सुने सर, फॉर एग्जाम्पल सर आप एक गए फर्नीचर मार्केट में, कुर्सी लेनी थी आपको, आपको कुर्सी बनवानी थी, आपने उस कुर्सी वाले को बुलाया जो कुर्सी वाले का मालिक था, आप कस्टमर, आप पहुंचे कुर्सी वाले के पास, आपने बोला सर कि मुझे कुर्सी बनवानी है, सुनो कॉपी नहीं करेंगे अभी, हमने बोला सर आपने कुर्सी बनवानी है, सर जो मालिक आया, जो कुर्सी बनाने वाला था, दुकानदार जिसका कारोबार था, वो आया, उसने बोला ठीक है सर मैं जो है ना ये आपके लिए कुर्सी बना के दूंगा, आपने उसको स्पेसिफिकेशन बताई कि सर लकड़ी इस किस्म की होनी चाहिए, सर लेंथ इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, सर पॉलिश इस किस्म की होनी चाहिए, कुशन इस पे लगा हुआ इस क्वालिटी का, आपने उसको सारी स्पेसिफिकेशन बता दी। आपने बोला हाँ भाई जरा पैसे तो बताओ कितने की बना के दोगे। सर दुकान वाला क्या करेगा, सर दुकान वाला क्या बोलेगा, दुकान वाला बोलेगा अच्छा भाई आप रुके, सही है आप रुके, मैं जरा आता हूं 2-3 घंटे में। दुकान वाला क्या बोलेगा, सर आप रुके मैं आता हूं 2-3 घंटे में। सर वो 2-3 घंटे के अंदर उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कुर्सी बनाकर ले आया और उसको बोला कस्टमर को कि सर ये कुर्सी बोल रहे थे, आपने बोला हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट यही बोल रहा था। दुकान वाले ने बोला सर $5,000 लगेंगे इसके। कितने डॉलर लगेंगे सर? 5,000। सर क्या कस्टमर ने क्या बोला? कस्टमर ने बोला नहीं यार मैं तो आपसे रेट पूछ रहा था, वो चला गया। सर क्या कारोबार ऐसे होता है? नहीं सर कारोबार तो ऐसे नहीं होता। सर कारोबार तो नहीं से। सर फिर कारोबार कैसे होता है? जब ये कस्टमर उसको स्पेसिफिकेशन बता रहा था कि सर आप, कि सर आप क्या करें, जब कस्टमर आपको स्पेसिफिकेशन बता रहा था कि सर आप जो है कुर्सी का साइज इतना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, पॉलिश इस किस्म की होनी चाहिए, दुकान वाला क्या करेगा सर? दुकान वाला कैलकुलेटर निकालेगा, अपने माइंड में कुछ वर्किंग करेगा, कुछ बटन दबाएगा ठक 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 और बोल देगा सर आपको कुर्सी पड़ेगी कितने की, फॉर एग्जाम्पल 4,000 की। कितने की पड़ेगी सर? 4,000 की। दुकान आप कस्टमर क्या बोलेगा कि सर अच्छा 4,000 की कुछ कमी बेशी होती है? वो बोलेगा नहीं सर ये फाइनल आपको मैंने प्राइस बताई है। फिर क्या बोलेगा सर? फिर बोलेगा कस्टमर के सर अच्छा एक काम करें आप 100 कुर्सियां बना दें। एग्री, ऐसे ही होता है सर कारोबार, ऐसे होता है कारोबार, ऐसे होता है। सर दोबारा एक दफा सुने जी, सर कारोबार कैसे होता है? एक कस्टमर दुकान वाले के पास पहुंचा, दुकान वाले को बोला सर मुझे कुर्सी बनवानी है, सर कुर्सी के साइज, हाइट, लेंथ, वेद, लकड़ी की क्वालिटी, पॉलिश, कलर ऐसा होना चाहिए। दुकान वाला क्या करेगा सर? दुकान वाला कैलकुलेटर उठाएगा, दिमाग चलाएगा और कैलकुलेटर पे बटन वन दबाएगा, वो बोलेगा सर ये कुर्सी मैं आपको 4,000 की दे दूंगा। कितने की दे दूंगा सर? 4,000 की। बोलो मंजूर है कि नहीं है? सर कस्टमर बोलेगा मंजूर है। सर जब वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर के लिए कुछ बयाना टोकन दे देगा, ये चलो जमान पे ही भरोसे का काम हो रहा है। सर फिर दुकान वाला प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। एग्री करते हो? सर ऐसा होता है कारोबार? बिल्कुल ऐसा ही होता है। सर अब सुने सर दुकान वाले के पास जब कस्टमर गया सर, दुकान वाले ने कैलकुलेटर निकाला ड्रॉ से और माइंड में कुछ वर्किंग की, कुछ कैलकुलेटर पे बटन दबाए। सर वो बटन क्या दबाए? आइए सर दुकान वाले ने क्या बटन दबाए? दुकान वाले ने बोला बॉस ये जो आप मुझे बता रहे हो, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो, कुर्सी बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट लगेगी। अज्यूमिंग सर जो कुर्सी बना रहे हो, एक कुर्सी बनाने के लिए मटेरियल लगेंगे कितने? 5 केजी।
और सर एक केजी मिलेगा फॉर एग्जाम्पल $6 का, डॉलर सिक्स पर केजी। तो सर एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ गई? $30 ये दुकान वाला दराज से कैलकुलेटर निकाल के माइंड पे एक वर्किंग करके कैलकुलेटर पे बटन दबा रहा है, एग्री करते हो? फिर इसने बोला सर ये कुर्सियां कौन बनाएगा? लेबर। एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के 8 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे बॉस? 8 घंटे। और लेबर को मैं 1 घंटे के सर $60 पे करूंगा, कितने डॉलर बॉस? $60। कितना हो गया भाई? 56। किसी का त्रास नहीं है? सुनो। फिर सर दुकान वाले ने बोला कि सर ये लकड़ी, ये कुर्सियां बनाओगे, कुर्सी को हम लोग घिसेंगे, लकड़ी काटेंगे, उसके लिए मोटर होती है जो लकड़ी काट रही होती है, मोटर चलेगी तो बिजली का बिल भी आएगा, प्लस हमने जो है ना वो चौकीदार को भी बिठाया हुआ है कारखाने के अंदर, उसकी तनख्वाह, एग्री करते हैं? फिर हमने बोला सर दुकान का किराया, हमने बोला सर कारखाने का किराया जहाँ पे कुर्सी बनाई जाएगी, एग्री करते हो? सर इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। सर दुकान के किराया तो नहीं, फैक्ट्री का किराया, दुकान के किराया तो सेलिंग एक्सपेंस के अंदर जाता है। सर कौन सा दुकान, बाकी कारखाने का बिजली का बिल जाहिर सी बात है, वो लकड़ी कटेगी मोटर से, मोटर चलेगी, बिजली का बिल आएगा, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, फैक्ट्री के और भी खर्चे मर्चे होते हैं, सबको हमने क्या बोला? फैक्ट्री ओवरहेड। एग्री करते हो बॉस? सुनना। मैंने बोला बॉस आप फैक्ट्री ओवरहेड अज्यूमिंग पर यूनिट पे कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जाम्पल $20। ये वर्किंग कौन कर रहा है? दुकान वाला कर रहा है। ये वर्किंग कौन कर रहा है बॉस? दुकान वाला कर रहा है अपने माइंड के अंदर, अपने माइंड के अंदर। सर उसने अपने माइंड के अंदर वर्किंग क्या की कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट क्या आ रही है? सर एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट क्या आ रही है लड़के? ऐड करोगे है जी 106। एग्रीड। दुकान वाले ने बोला सर मैं प्रॉफिट रखूंगा, एट प्रॉफिट। दुकान वाले ने बोला सर मेरी कॉस्ट कितनी आएगी कुर्सी बनाने पे? 106। और सर मैं 10% प्रॉफिट रखूंगा, तो सर मैं कितना प्रॉफिट रखूंगा? 10% लोगे 10.6 का मैं प्रॉफिट रखूंगा, ये मेरा असूल है सर, जितनी कॉस्ट लगती है 10% में प्रॉफिट रखता हूँ। हाँ कमी बेशी हो सकती है, सही है, लेकिन ये मेरा असूल है। सर उसने प्राइस कितनी कोट की? 16.6 ऐसा सर ये इसने सेलिंग प्राइस कोट कर दी। एक कुर्सी में कितने की बेचूंगा बॉस? 116 की। एग्रीड। जो कस्टमर था उसने बोला ठीक है सर डन बनाए। दुकान वाले ने बोला सर ठीक है आप आ जाइए, 2 दिन के बाद आपको आपकी कुर्सी तैयार मिलेगी। एग्री कर दो। ये दुकान वाले ने अपने माइंड में कैलकुलेशन की है, ये दुकान वाले ने अपने माइंड के अंदर एस्टिमेट किया है, ये दुकान वाले ने अपने माइंड के अंदर कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन की है। एग्री करते हो? सर दुकान वाले को ऑर्डर मिल गया, दुकान वाले को ऑर्डर मिल गया कि हाँ भैया आपको ये ऑर्डर मिल गया है, आपको ऑर्डर मिल गया और अब आप ये काम करिए। ये ऑर्डर दुकान वाले को मिल गया, कस्टमर ने बोला ठीक है सर आप कुर्सी बनाए। अब क्या होगा? सर अब दुकान वाला कुर्सी बनाने के लिए मटेरियल बाजार से, मार्केट से खरीदेगा और कुर्सी बनाना शुरू करेगा। सर दुकान वाले ने क्या सोचा था? एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे? हकीकत में जब कुर्सी बनाने के लिए बैठे तो सर ये लगे मेरे पास 5.5 केजी। क्या हो नहीं सकता है सर? हो सकता है सर, हो सकता है। इसने क्या सोचा था कि 1 केजी कितने का मिलेगा? लेकिन जब हकीकत में खरीदने के लिए गया तो सर 1 केजी मिला 5.75 का। सर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। मेरा भाई एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई मटेरियल की? 31.625। मानते कि नहीं मानते? फिर हमने बोला सर लेबर, दुकान वाले ने क्या सोचा था कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 8। सर लेबर चीती थी, उन्होंने 7.5 घंटे में एक कुर्सी तैयार कर दी। हमने क्या सोचा था एक कुर्सी बनाने के कितने पैसे देंगे? $60। लेकिन सर ये जो लेबर है ये थोड़ी सी हमें महंगी मिली और हमें मिली है 7.80 पर आर के रेट पे, महंगी मिली लेबर। कितना बॉस? 58.50। ऐसा सर फैक्ट्री ओवरहेड की भी बातें अगर ले लें हम, सर फैक्ट्री ओवरहेड लगा लें फॉर एग्जांपल 19, तो बॉस मेरे पास जब कुर्सी तैयार हो गई, मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई?
सर मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट पर यूनिट कितनी, 109.125। ऐसा है बॉस, ऐसा जी सर। सर सुने सुने, हमने क्या सोचा था कि सर कॉस्ट कितनी आएगी, 10.6। हकीकत में कितनी आई, हमने क्या सोचा था कॉस्ट कितनी आएगी, 106। हकीकत में कितनी आई, 109.125। एग्री करते हो सर, प्राइस कॉस्ट बढ़ गई। आपने कुर्सी तैयार कर दी है, सुनना सुनना, आपने कुर्सी तैयार कर दी है, बहुत दो मिनट के लिए सुनो, रुको रुको रुको, सर आपने कुर्सी तैयार कर दी है, एग्री। प्रॉफिट कितना रखते हो, 10.6 का सोचा था आपने, कुर्सी तैयार हो गई है, कॉस्ट कितनी आई है, 109.125। प्रॉफिट कितना, 10.16। प्राइस कितनी, प्राइस कितनी, 119.72। कस्टमर पहुंचा कुर्सी लेने के लिए, सौदा कितने में तय हुआ है, 116.6। दुकान वाले ने बोला लो भाई कितने पैसे निकालो, फड्डा हो जाएगा यहाँ पे, दुकान वाले का कस्टमर का फड्डा हो जाएगा। सर सौदा कितने में बुक कराया हमने, दुकान वाला क्या बोलेगा, भाई ये तो मैंने सोचा था, ये तो मैंने एस्टिमेट किया था, लेकिन हकीकत में जब लेने के लिए गया तो सर ऊपर नीचे तो होता है, ऊपर नीचे होता है, मार्केट यही तो होती है, ऊपर नीचे तो होता है, तो सर कॉस्ट कितनी आई है, 109.125, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं सर, वो तो मेरा रहेगा, कितने का गुड्स मैं आपको बेचूंगा, 119, फड्डा हो जाएगा यहाँ पे, एग्री करते हो, फड्डा हो जाएगा। सर फिर सर प्राइस तो आपने लॉक कर दी ना बॉस, बॉस प्राइस तो आपने लॉक कर दी ना, आपने क्या बोला सर, मैंने प्राइस कोट कर दी कितने की, 116.6 की, प्राइस कितनी कोट कर दी, 116.6 की, नॉर्मल यही होता है, नॉर्मल यही होता है। सर इंपैक्ट किस में आया, प्रॉफिट के अंदर आया, कितना, 7.475। सर ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट, और ये मेरा आ गया, मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। सर अब सुने, इसको मैं समराइज कर रहा हूं, मैंने बोला सर सुने सर, दुकान वाले ने, हम लोग कॉस्टिंग करते हैं कारोबार की, हम लोग कॉस्टिंग करते हैं बिजनेस की, यहाँ पे कारोबार कौन कर रहा है, दुकान वाला। सर दुकान वाले ने सबसे पहले सोचा, एस्टिमेट किया कि सर इसको बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी और मैं प्राइस कितनी रखूंगा। सर ये इसने सोचा और जब उसको ऑर्डर मिल गया फिर उसने ये एक्चुअल में काम किया। एग्री करते हो, इस डेटा को सर हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेट, क्या बोलेंगे बॉस, एस्टिमेट। इस डेटा को हम क्या बोलेंगे, बजट, एस्टिमेट, अंदाजा। इस डेटा को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। बॉस बात समझ में आई, मैंने क्या क्या नाम दे दिया, इस डेटा को मैं क्या बोलूंगा सर, इस डेटा को मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड। इस डेटा को मैं या तो क्या बोलूंगा, एस्टिमेट्स। इस डेटा को मैं क्या बोलूंगा, बजट फॉर वन यूनिट। एग्री करते हो, ये डाटा है मेरे पास स्टैंडर्ड, एक यूनिट बनाने का एस्टिमेट सोचा हुआ। बॉस ये क्या मेरे पास एक्चुअल, इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये डाटा मेरे पास कौन सा है, एक्चुअल। सर मैंने सोचा क्या था, एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आएगी, 106, लेकिन एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई है, 109.125। ऐसा सर ये कॉस्ट बढ़ गई, इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। एग्री कर दो, पहले कितना कमाने का सोच रहे थे, 10.6 का, अब कितना कमा रहे, 7 का। सर ये जो दुकान वाला है, इसने हमने सेठ को क्या बताया होगा, अपने मालिक को, ओनर को क्या बताया होगा कि सर हमारे पास एक ऑर्डर आ गया जिसमें हम कितना कमा रहे हैं, 10.6। सर उसकी कॉस्ट कितनी है, 106, बेचा मैंने कितने का है, 1 बजे। सर शाबाशी मिलेगी इस बंदे को कि आया तूने अच्छा काम किया, सेठ उसका शाबाशी देगा। सर लेकिन जब एक्चुअल में काम हुआ, जब एक्चुअल में रियलाइज हुआ, जब एक्चुअल में काम हुआ, तो सर प्रॉफिट कितना कमाया, 7.4। सेठ को कितना नंबर चाह चुके थे, 10.6 का। अब सेठ को क्या बता रहे, नहीं सर वो हमारा अंदाजा गलत हो गया। एग्री करते हो, हमारा अंदाजा गलत हो गया, सर हमारा अंदाजा गलत हो गया, और आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 7 का। एग्री करते हो, सर सेठ पूछेगा कि सर ये 10 का मुझे बोल के 7 क्यों आया, मुझे जरा इसकी एनालिसिस तो दो, मुझे जरा वजुहात तो बताओ। तो सर उसकी वजुहात बतानी पड़ेंगी सर के ऐसा क्यों हुआ, सर क्यों हुआ। सुने सर, हमने क्या सोचा था, मटेरियल में कितनी कॉस्ट लगेगी, $30 की, हकीकत में कितनी लगी, कितनी ज्यादा, 1.625। एग्री करते हो, सर इधर आइए, हमने क्या सोचा था कितनी कॉस्ट लगेगी लेबर की, 56, एक्चुअल में कितनी लगी, कितनी ज्यादा, 2.50।
सर फैक्ट्री ओवरहेड मैंने क्या सोचा था कितना 20, एक्चुअल में कितना 19, लड़के कितना 1, सुनेंगे मैं सेठ को बताऊंगा सर इस वजह से जो है ना वो आपका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, सर सुने मैंने क्या सोचा था कि मटेरियल में कितनी कॉस्ट लगेगी 30, एक्चुअल में कितनी लगी, कितनी ज्यादा कॉस्ट ज्यादा तो प्रॉफिट कम, बात मानते हो कॉस्ट ज्यादा हुई आपकी सोच के मुताबिक, कॉस्ट ज्यादा तो प्रॉफिट कम, अच्छी बात है बुरी बात है, कॉस्ट ज्यादा होना बुरी बात है, इसका मतलब इसको मैं बोलूंगा अनफेवर, ये मेरे फेवर में नहीं है, अनफेवर को हम लोग एडवर्स भी कहते हैं, मैंने सिर्फ ये लिख दिया एडवर्स भी कहते हैं, सर इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये जो मैंने लिखा है ये मेरे पास कहलाता है डिफरेंसेस यानी के वेरियंसेस, क्या कहलाता है बॉस डिफरेंसेस यानी के वेरियंसेस, सर मैं सेट को क्या बताऊंगा कि सर मटेरियल की वजह से अनफेवरेबल इंपैक्ट एडवर्स इंपैक्ट टुवर्ड्स द प्रॉफिट कितना है मेरे पास 1.625, सर लेबर का मैंने क्या सोचा था कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी 56, लेकिन एक्चुअल में कितनी इंकर्ड हुई है सर कॉस्ट ज्यादा, कितनी ज्यादा 2.5, कॉस्ट ज्यादा होना अच्छी बात की बुरी बात, बुरी बात, तो ये भी किसमें आ जाएगा एडवर्स में, बात मानते हो मैं सेठ को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर सर फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेकिन हकीकत में कितना आया 1, सर कॉस्ट कम होना अच्छी बात है फेवरेबल, मेरा भाई इनको जरा नेट करोगे कितना, लड़के कैलकुलेटर उठाओ इनको जरा नेट करो कितना, थ्री पॉइंट, तीनों को ऐड कर दिया नहीं, इसको माइनस किया ना, ये एडवर्स एडवर्स ऐड और फेवर लेस कितना 3.125, ऐसा और ज्यादा एडवर्स था तो एडवर्स प्रॉफिट भी इतने से कम हो रहा है 10.6 और 7.475, फिट है लड़के फिट है, सर मैं सेठ को क्या बोलूंगा, सर जो आपको मैंने प्रॉफिट बताया था 10.6 का, जो हम सोच के बैठे थे 10.6 का, पार्टी हमने कर ली थी 10.6 का सोच के, लेकिन हकीकत में कितना प्रॉफिट आया 7.45 का, जिसकी जिसके अंदर ब्रेकअप क्या है सर मटेरियल की वजह से 1.625, लेबर की वजह से इतना और ओवरहेड तो फेवरेबल में आ गया, एग्री करते हो एग्री करते हो एग्री करते हो, ये मेरे पास क्या कहलाता है डिफरेंसेस, क्या कहलाता है बॉस डिफरेंसेस, जिसको हम लोग कॉस्टिंग की जबान में क्या कहते हैं वेरियंसेस, तो बॉस वेरियंसेस की डेफिनेशन क्या बनी सर जी, वेरियंसेस की डेफिनेशन क्या बनी, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, बोलो एस्टिमेट बोलो या बजटेड बोलो, हम स्टैंडर्ड बोलते थे, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, क्या मेरे भाई हम बात समझ में आई सर, क्या बात समझ में आई, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, सर सेट को सेट क्या बोलेगा, सर मटीरियल की वजह से कितना आ रहा है, सर मटीरियल की वजह से कितना आ रहा है, सेट का अगला सवाल है सर मटेरियल महंगा मिला या मटेरियल या कुर्सी बनाते हुए आपने मटेरियल ज्यादा लगा दिया, सवाल क्या पूछने का हक है उसका, यस सर, सर सेट है मालिक है, हमने ज्यादा लगाया, हमने उसको बोला कि सर कम लगेगा आपने ज्यादा, एग्री कर दो, सुने सर सेट क्या बोलेगा, बॉस आपने बहुत अच्छी वर्किंग की है आई अप्रिशिएट आई अप्रिशिएट, लेकिन सर थोड़ी और वर्किंग करो, मटेरियल का वेरियंस कितना बता रहे हो तुम मुझे 1.65, सर इसको ना थोड़ा और डिटेल में बताओ, हमने बोला सर आपने बोला कॉस्ट कितनी 31, सोचा गया था 30, हमने बोला सर इस कॉस्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक कितना मटेरियल लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए, एक मटेरियल कितने का आएगा, सर ये जो डिफरेंस आया है ये किसकी वजह से आया है, एक यूनिट बनाने पे कितना मटेरियल लगेगा, एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा या एक यूनिट आया कितने का है, हमने कहा दोनों की वजह से, हमने क्या सोचा था एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे 5 और कितने लगे, कितने लगे, एक फर्क ये भी है इस फर्क के अंदर, दूसरा सर मैंने क्या सोचा था एक केजी कितने का मिलेगा $6 का, हकीकत में मिला कितना सस्ता मिला, लेकिन फर्क तो है डिफरेंस तो आया, एग्री करते हो एग्री कर दो, सुनना सर ये जो वेरियंस है, ये जो वेरियंस है सुनिएगा जी, जी जो डिफरेंस है मटेरियल का बॉस, ये जो मटेरियल का वेरियंस आया है सर, ये मटेरियल का वेरियंस दो वजह से आया है, एक बॉस मैंने क्या सोचा था कितने का मिलेगा एक केजी,
मेला कितने का? एक फर्क इसका है, ये जो सवा रुपए का फर्क आया 1.625 का, सही जी, एक फर्क इसका है। इस फर्क को मैं क्या बोलूंगा? मटेरियल प्राइस वेरियंस। मानते कि नहीं मानते? दूसरा, सर मैंने क्या सोचा, एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे? 5। हकीकत में कितने लगे? ज्यादा लगे, इस्तेमाल ज्यादा कर दिया। इस ये जो फर्क है 1.625 का, इसके अंदर प्राइस की वजह से और इसकी वजह से, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे बॉस? मटेरियल का इस्तेमाल का यूजेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस। बात मानते कि नहीं मानते? बात मानते कि नहीं मानते? सर सेम, लेबर में कितना फर्क आया? हमने क्या सोचा था, एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे? 7.5। लेकिन एक्चुअल सॉरी, हमने क्या सोचा था कि एक घंटे के लेबर कितने पैसे लेंगे? $7। सर लेकिन एक्चुअल में कितने लिए? $7.8। सर ज्यादा लिए, ये जो फर्क आया है लेबर का कितने का? $2.5 का, इसमें एक फर्क क्या है? मैंने सोचा था लेबर को कितने पैसे दूंगा? $60। लेकिन लेबर ने ज्यादा, हकीकत में कितने पैसे लिए? 7.8। सर इस वेरियंस को हम क्या कहते हैं? इस वेरियंस को हम कहते हैं लेबर का रेट वेरियंस, यानी के लेबर वेरियंस। मेरे भाइयों बात समझ आ रही है? सर दूसरा, मैंने क्या सोचा था, एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे। हकीकत में कितने घंटे लगे? सर ये जो फर्क, हाँ ऑल दो कम घंटे लगे, बचत हो गई, लेकिन फर्क तो है। इसको हम क्या बोलेंगे? लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या सबों को समझ में आया? इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड के भी है। तो सर मैंने अभी तक क्या सीख लिया वेरियंसेस के बारे में? मैंने बोला सर कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जिसको हम एस्टिमेट भी कहते हैं, बजट भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, और फिर एक्चुअल में काम किया जाता है। इन दोनों का जो फर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरियंसेस। उसको हम क्या बोलते हैं सर? वेरियंसेस। इसकी फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है फर्दर के सर ये मटीरियल का फर्क आया क्यों? सर इसको जितना नीचे ड्रॉप डाउन कर देंगे, जितना नीचे इसकी डिटेल बना लेंगे, उतनी अच्छी एनालिसिस हो पाएगी हमें इस पेपर के अंदर। सर 20 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं आए, लेकिन अगर तो आता है तो सर 5 मार्क्स की कैलकुलेशन आती है, 15 मार्क्स की इंटरप्रिटेशन आती है। ये हिस्ट्री है, 8 मार्क्स की कैलकुलेशन कर देगा बस, बाकी वो इंटरप्रिटेशन करता है। सर क्या करता है? वो बोलता है सर मटीरियल का वेरियंस आया क्यों, एनालाइज करें। अपने को कॉन्सेप्ट पता होगा, मटेरियल महंगा होगा इसकी वजह से आया, मटेरियल महंगा हुआ उसकी वजह से आया, या मटेरियल सस्ता हुआ उसका डिफरेंस है। मटेरियल सोचा था मैंने इतने केजी लगाएंगे लेकिन इतने केजी लगा, इंटरप्रिटेशन। कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो इंटरप्रिटेशन तो यूं है, बस सिर्फ ड्राफ्टिंग है जो तुम लोग कर रहे हो, अंग्रेजी तो तुम लोग लिख रहे हो बस। याद रखना 5-6 मार्क्स की कैलकुलेशन है, 15-16 मार्क्स की एनालिसिस है, थ्योरी है। थ्योरी का मतलब इंटरप्रिटेशन है, लिखना है जो आपने कैलकुलेशन की है उसको अंग्रेजी के अंदर लिखना है, उसके ज्यादा मार्क्स हैं, कैलकुलेशन के कम मार्क्स हैं। एमसीक्यूज में तो नॉर्मली कैलकुलेशन दे देता है, कैलकुलेशन में कोई एरर हो गया लेकिन हमने इंटरप्रिटेशन सही की। हाँ मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। हाँ ईसीजी भर के मार्क्स देता है, ईसीजी में टेंशन नहीं होती, ईसीजी भर के मार्क्स देता है। ईसीजी का तो सिंपल सा रूल है, 3 रूल मैं आपको बताऊँ ईसीजी के। आपने किट पूरी सॉल्व कर ली दोनों, आपने स्टेट एक्स को एक दफा पढ़ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों क्लास में कर रहे हैं। तीसरी चीज जो तुम लोग के ऊपर है, पेपर पूरा 100 मार्क्स का टाइम करना है, पेपर पास है। सो टाइम पे इशू तो नहीं? ना ना, हो जाता है। जब से इन्होंने एमसीक्यूज डाल दिए ना, सेक्शन ए सेक्शन बी डाल दिया है, तब से तो बहुत आसान है, उसमें टाइम कम लगता है। पहले नहीं, हमारे जमाने में नहीं होते थे, हमारे जमाने पूरे लिखने वाले पर्चे होते थे। हाँ जाओगे 3 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट रीडिंग टाइम होगा, पूरा लिखते रहो पूरा कागज वाला। फिर चले सर कॉपी करेंगे सर कॉन्सेप्ट को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर डन, आगे बढ़े बॉस, बॉस आगे बढ़े। चले सर बात को हम आगे लेके बढ़ते हैं। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वेरियंसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसा सर ऑल दो ये तुम लोग F2 MA के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन सिर्फ तुम लोग की मेमोरी को मैं रिफ्रेश करवा रहा हूं। एग्रीड में ऐसे लेके चल रहा हूं जैसे आप लोगों ने इसको कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है यार। चले बॉस आगे बढ़ते हैं। सर हम लोगों ने वेरियंसेस पढ़ने कौन कौन से हैं भाई? ये F2 के अंदर तो इतने ढेर सारे थे, क्या वही पढ़ने हैं? यस सर वही पढ़ने हैं।
और उसके अलावा मजीद भी पढ़ने हैं, मतलब वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो पढ़ने ही पढ़ने, उसके अलावा और मजीद भी पढ़ने हैं। सर कौन कौन से पढ़ने? अच्छा, प्लस वहां पे आप लोग के पास इंटरप्रिटेशन नहीं होती थी, एग्रीड? यहां पे सर इंटरप्रिटेशन है, यहां पे सारा खेल ही किसका है? इंटरप्रिटेशन का। तो बॉस हम लोग जो है वो दो तीन क्लासेस के अंदर कैलकुलेशन सीख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर चलेंगे। और जैसे बात है एग्जाम की, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इंटरप्रिटेशन आएगी। इसमें लिखना है बॉस, इसमें तुम लोगों ने लिखना है, फिर से ना एकदम चुस्त होके लिखना शुरू करना है। चले वो स्टार्ट करते हैं। सर मैंने कौन कौन से वेरियंसेस पढ़ने हैं? आओ मेरा भाई। सर हमने कौन कौन से वेरियंसेस पढ़ने हैं? सर मैंने मटेरियल वेरियंस, सर जी लेबर वेरियंस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस, सेल वेरिएंस। अभी रुक जाओ। सर मटेरियल वेरिएंस को भी हम दो कैटेगरी में स्प्लिट करेंगे भाई, किस किस पे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस। सर मटेरियल यूसेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस आपका दो वेरिएंस के अंदर स्प्लिट होगा। एक बॉस मटेरियल मिक्स वेरिएंस में, और एक जनाब मटेरियल यील्ड वेरिएंस में। मटेरियल यूसेज वेरिएंस मेरा दो कैटेगरी में स्प्लिट होगा, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस में और एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस में। चले सर, उसके बाद है मेरे पास लेबर वेरिएंस। सर लेबर वेरिएंस भी दो में, एक मेरे पास लेबर का रेट वेरिएंस, हाँ तीन उसमें, एक मेरे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक मेरे पास लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस। फिर सर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड के, सर फैक्ट्री ओवरहेड के मेरे पास दो वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वेरिएंस और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वेरिएंस। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वेरिएंस बॉस दो कैटेगरी में स्प्लिट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। ऐसा सर, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वेरिएंस। सर ये दो कैटेगरी के अंदर स्प्लिट होगा,
फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस. फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस. यस बॉस. सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस. सर ये फिर दो कैटेगरी के अंदर स्प्लिट होगा. आसान है, पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो? दो तीन चीजें नहीं दिख रही होंगी तुम्हें, कौन कौन सी नहीं है मैं बताता हूं. सर फिर ये दो कैटेगरी में स्प्लिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस. खूबसूरत बात. चले बॉस, उसके बाद है मेरे पास सेल्स वेरिएंस. सर जी सेल वेरिएंस भी दो, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम प्रॉफिट स्लैश कॉन्ट्रीब्यूशन सीएम वेरिएंस. फिट है? ओनली. फिर ये सारे वेरिएंस दो कैटेगरी में स्प्लिट हो जाएंगे, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस. प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, ये सारे वेरिएंसेस को हम दो कैटेगरी में मजीद स्प्लिट करेंगे, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस ओनली. सर हमें ये पढ़ना है, तीन दिन का टारगेट है, हमें सारे वेरिएंसेस खत्म करना है, फिर पास पेपर करने हैं, मतलब कॉन्सेप्ट कर लेंगे फिर पास पेपर शुरू होंगे. तो पास पेपर में डेफिनेटली एनालिसिस भी है, तो पास पेपर हम ऐसे शुरू कर नहीं सकते. पहले हमें अपनी एग्जाम्पल से इन सारे वेरिएंसेस के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने करेंगे, फिर हम सेशन, आपको पता है शुरुआत सेशन सी से करते हैं, सेशन सी ताकि पूरे पूरे बड़े बड़े सवाल हो जाएं, फिर तो एमसीक्यूज हल होते हैं हमारे लिए. डन है? चलो बॉस कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. अच्छा बॉस, सर दो वेरिएंसेस और हैं भाइयों, सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. सर दो है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस का टुकड़ा है, सेल मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. फाइनली ओनली. चले सर फटाफट कॉपी करेंगे और फिर हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं. चले सर, तो मेरा भाई ये सारे वेरिएंसेस आपको पढ़ने हैं, टारगेट करते हैं कि सर हम इन वेरिएंसेस को कंप्लीट करें और फिर जब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पे आएंगे तो डेफिनेटली इसकी कैलकुलेशन के साथ साथ वो आपसे इंटरप्रिटेशन भी करवाएगा, और हम जब इसको पढ़ते चले जाएंगे तो सर ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में इसकी इंटरप्रिटेशन बनती चली जाएगी, तो हमें लिखने में ड्राफ्टिंग करने में बड़ी आसानी होगी. डन हो गया बॉस? डन हो गया. चले सर पहला वेरियंस पढ़ने चले. कौन सा वेरियंस मेरा भाई? मटीरियल वेरियंस. हेडिंग बनाइए मटीरियल वेरियंसेस की. चले सर जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं, आप लोग हेडिंग बनाइए मटेरियल वेरिएंसेस की, और हम मटेरियल का वेरिएंस पढ़ने चलते हैं. चले बॉस. सर हम लोग मटेरियल वेरिएंस पढ़ने जा रहे हैं बॉस. पहली एग्जांपल आसान बच्चों वाली, हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा और फिर हम इंशाल्लाह आगे मजे से इसको सॉल्व कर डालेंगे. सर सुने 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 सर एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं, मेरे भाई लोग मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं. सर हमने स्टैंडर्ड बनाया,
सर हमने स्टैंडर्ड बनाया एक यूनिट के लिए, हमने स्टैंडर्ड बनाया एक कुर्सी बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर वन यूनिट, हमने स्टैंडर्ड बनाया एक यूनिट बनाने के लिए, बोले तो एक कुर्सी बनाने के लिए, सर हमारा स्टैंडर्ड क्या है एक यूनिट बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल सर कितने केजी लगेंगे, 5 केजी, और 1 केजी कितने का आएगा, $6 का। एक कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी कितनी लगेगी, 5 केजी, और 1 केजी कितने का, 6 केजी, $6 का। सर कितना हो गया पर यूनिट, 30। तो एक यूनिट बनाने पे बॉस कितने पैसे लग रहे हैं, क्या सोचा मैंने, सर ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, स्टैंडर्ड, बोले तो एस्टिमेट, बोले तो अंदाजा, बोले तो सोचना, बोले तो तुक्का। सर ठीक है, सर कितने कितने यूनिट का ऑर्डर आ गया, एक्चुअल प्रोडक्शन, सर कितनी यूनिट आपने बना दिए, बॉस मैंने 100 कुर्सियां बना दी, कितनी कुर्सियां बना दी, 100 कुर्सियां मैंने तैयार कर दी। सर 100 कुर्सियां बनाने के लिए एक्चुअल में मटेरियल लगा, 100 कुर्सियां बनाने के लिए एक्चुअल में मटेरियल लगना शुरू हुआ, सर एक्चुअल मटेरियल कितना खर्च कर दिया, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल में सर आपने 540 केजी इस्तेमाल कर लिए, कितने केजी इस्तेमाल कर लिए, 540 केजी, एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई है, सर एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट आई है 3672 डॉलर, 3672। सर ये सीन है, आइए सर रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास, बॉस मेरे पास रिक्वायरमेंट में क्या है, सबसे पहले टोटल मटेरियल का वेरिएंस निकालें, टोटल मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करें, शॉर्टकट लिखूंगा बॉस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करें, तीसरा मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करें। सर सुने मेरे भाई लोग, सुने सर तसल्ली के साथ, सुनेंगे बॉस, सुनेंगे लड़के, सर हमने सोचा क्या था, एक यूनिट बनाने पे कितने केजी लगेंगे, कैलकुलेटर अभी लिख के भी करेंगे, पहले कैलकुलेटर से उठा। सर हमने क्या सोचा था, क्या ध्यान में बनाया था, दुकानदार ने एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी, 5 केजी, 1 केजी कितने का, तो एक यूनिट बनाने पे लकड़ी मटेरियल कितना लगना चाहिए, 2 बनेंगे तो 3 बनेंगे तो कितने बना डाले, कितना मटेरियल लगना चाहिए था, कितना लगना चाहिए था बॉस, कितना लगा, कितना ज्यादा लगा, मटेरियल वेरिएंस आ गया एडवर्स, दोबारा। सर एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी सोचा हमने, 1 केजी कितने का, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट, 2 पे, 3 पे, कितने बना डाले, कितना मटेरियल लगना चाहिए था, 3000, कितना हकीकत में कितना लगा, कितना ज्यादा लगा, 672। एग्रीड, अच्छा कि बुरा, कॉस्ट ज्यादा लगना तो सर बुरी बात है ना यार, ये मेरे पास कहलाता है मटेरियल वेरिएंस। सुनो जी, अब लिख के करेंगे, टोटल मटेरियल वेरिएंस, यस बॉस, टोटल मटेरियल वेरिएंस। सर टोटल मटेरियल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सर वेरिएंस की डेफिनेशन क्या थी, यहां मैंने कोने पे लिखी थी, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, ऐसा डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, माइनस करो तो खुद ही डिफरेंस निकल आएगा, माइनस करो तो खुद ही डिफरेंस आओ जी। सर स्टैंडर्ड क्या बनाया, एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी, 5, 1 केजी कितने का, $6 का, तो भाई कहना क्या चाहते हो, सर एक यूनिट बनाने पे मटेरियल की कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, 30 लगनी चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, 30 लगनी चाहिए। सर एक्चुअल में कितना यूनिट बना डाले, 100 यूनिट, कितना यूनिट बना डाले, एक यूनिट पे 30 लगनी चाहिए थी, 2 पे 60, 3 पे 90, तो 100 पे कितनी,
3000। सर हमने सेठ को बोला, हमने बोला सर मटेरियल की कॉस्ट लगेगी 3000 की। हमने सेठ को बताया, ओनर को बताया सर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए मटेरियल की, 3000 लगनी चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में काम करना शुरू किया सर कॉस्ट कितनी लग गई, 3672। सर सेठ मुझसे पूछेगा कि भाई तुमने तो बोला था ये 100 कुर्सियां बनाने के लिए मटेरियल कितना लगना चाहिए था, $3000 का, हकीकत में तुमने कितने डॉलर लगा दिए, 3672 कितने ज्यादा लगा दिए, कॉस्ट ज्यादा कर दी तुमने तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया। जवाब दो, लॉजिक क्लियर हुई, तुम्हारे मटेरियल ज्यादा यूज करने की वजह से कॉस्ट ज्यादा हो गई है, मेरा प्रॉफिट गिर गया है। सर मुझे जवाब दी जाए, मैं इंटरप्रिटेशन भी कर रहा हूं साथ साथ, एग्री करते हो? सर इसको हम बोलेंगे टोटल मटेरियल वेरियंस, बात मानते हो? सेठ पूछेगा भाई ये मटेरियल क्यों ज्यादा लगा है, मटेरियल क्यों ज्यादा लगा है। सर सुने सुने सुने, हम बोलेंगे सर देखें ये जो मटेरियल ज्यादा हुआ है ना, कॉस्ट ज्यादा हुई है 672। सर इसकी दो वजूहत है, इसकी दो वजूहत है। पहली वजह सर मटेरियल हमने क्या सोचा था कितने का मिलेगा, 6 kg का, लेकिन हकीकत में कितने का मिला, यहां लिख रहा हूं मैं, एक्चुअल प्राइस वहां लिख देता हूं, हकीकत में कितने का मिला, एक्चुअल प्राइस पर केजी। सर हकीकत में आपने कितना मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, $3672। इतने मटेरियल आपने हकीकत में इस्तेमाल किए, और कितने केजी इस्तेमाल किए हकीकत में, एक्चुअल कितने, 3672, और हकीकत में कितने यूज किया आपने, 540। हकीकत में 1 kg कितने का मिला आपको बॉस, 6.8 का। सुनना, हमने बोला सर हमने सोचा था कि मटेरियल कितने का मिलेगा, $6 का, हकीकत में कितने का मिला, मटेरियल ही महंगा मिला सर, हमारा क्या कसूर है, एग्री करते हो? अचानक इन्फ्लेशन बढ़ गई, मटेरियल खरीदने के लिए गए इंपोर्टेड मटेरियल था, अचानक डॉलर बढ़ गया तो मटेरियल ही महंगा हो गया, एग्री करते हो? ये सारी मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूँ, जब हम सवाल करेंगे तो ये सारी बातें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी सिनेरियो से लिंक करके, एग्री करते हो? एग्री करते हो? हमने बोला सर ये जो मटेरियल है ये तो हमने सोचा था $6 का, और जब हम खरीदने के लिए गए तो सडनली इंक्रीज हो गया, क्यों सर, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई थी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, तो सप्लायर ने मटेरियल भी महंगा कर दिया, एग्री, मेरा कसूर नहीं है, लॉजिक क्लियर हो रही है, लॉजिक क्लियर हो रही है। सर ये इंपोर्टेड मटेरियल है, सर ये डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट, डॉलर का रेट ही बढ़ गया, एग्री करते हो? सर ऑटोमेटिकली महंगा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। सर ये सप्लायर ने मुझसे अर्जेंसी मटेरियल मांगा है, सप्लायर ने मुझे बोला भाई जल्दी, मुझे कस्टमर ने बोला फटाफट खरीद बना के दो, मुझे फटाफट बना के दो। सर मैं जो है वो जल्दी मटेरियल खरीदने के लिए गया, तो जब जल्दी खरीदने के लिए जाते हैं तो सर आपको फिर महंगा मिल रहा होता है, एग्री करते हो? मेन सप्लायर के पास अब नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां पर टाइम लगता है, तो आपको फिर महंगा मिला, एग्री करते हैं। सर सुने, ये वेरियंस मेरे पास कहलाएगा, सर ये वेरियंस मेरे पास कहलाएगा मटेरियल का प्राइस वेरियंस। क्या कहलाएगा बॉस? मटेरियल का प्राइस वेरियंस। सर सुने, वेरियंस की डेफिनेशन क्या थी, उधर लिखी थी मैंने, वेरियंस क्या होता है, फर्क किस किस का, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। सर ये वेरियंस में किसका निकाल रहा हूं, प्राइस का, तो फर्क किसका, डिफरेंस किसका लिया जाएगा, प्राइस का, डिफरेंस किसका लिया जाएगा, प्राइस का। सर मैंने क्या सोचा था, 1 kg कितने का मिलेगा, $6 का, लेकिन हकीकत में केजी कितने का मिला, 6.8 का। सर मुझे मटेरियल महंगा मिला, कितना महंगा मिला, 0.8। सर कितना महंगा मिला, 0.8। 6 तो मैंने सोचा हुआ था, हकीकत में कितने का मिला, 6.8 का, कितना महंगा मिला, 0.8 का। 1 kg मुझे 0.8 महंगा मिल रहा है, और मैं कितने केजी खरीद के इस्तेमाल कर चुका हूं, मैं कितने केजी खरीद के इस्तेमाल कर चुका हूं, 540। तो सर कितना मुझे एडवर्स इंपैक्ट आया, 432 एडवर्स। मानते कि नहीं मानते, सर कॉस्ट ज्यादा हो गई है तो वेरियंस किस में आ जाएगा, एडवर्स। कॉस्ट ज्यादा तो बुरी बात है ना बॉस, कॉस्ट ज्यादा तो बुरी बात है। सर सुने, सर वेरियंस की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। आओ सर इसका जरा फॉर्मूला बताओ, ये क्या मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस ये क्या मेरे पास, एक्चुअल प्राइस
पर केजी, ये क्या मेरे पास एक्चुअल मटेरियल यूज, मानते कि नहीं मानते? Yes, मानते कि नहीं मानते? बोलो भाई विवेक। सर क्लियर है? मैंने सेठ को बोला सर आपकी जो कॉस्ट बढ़ी है 672 डॉलर की, इसके अंदर $432 ना प्राइस की वजह से है, प्राइस की इंटरप्रिटेशन से करो, प्राइस की वजह से है, और प्राइस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सर मटेरियल जो है वो महंगा हो गया है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, इंपोर्टेड मटेरियल है, या लेट सपोज ये जूसेस बनाने वाली कंपनी है और जूसेस किसके सर, कीनू वीनू के जूसेस हैं, कीनू के लिए आपको कीनू खरीदने पड़ते हैं, ये टोमाटो केचप है उसके लिए केचप खरीदना पड़ता है सर, टमाटर खरीदना पड़ता है, टमाटर महंगे हो गए, फसल खराब हो गई, सैलाब आ गया, एग्री कर दो मटेरियल महंगा, ये सारी इंटरप्रिटेशन होगी, ये सारे क्वेश्चन के अंदर लिंक होगा, सिनेरियो बना के देगा, ये सारी चीजें वहां से पिक करनी है, कॉन्सेप्ट होगा तो खुद पिक कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट होगा तो पिक कर पाएंगे। लॉजिक क्लियर हो रही है मेरे भाई? लॉजिक क्लियर? आगे सर आगे, हम सेठ ने बोला कि सही है सर 672 एडवर्स है, मटेरियल की वजह से कितना, प्राइस की वजह से कितना, बाकी कितना बचा, बाकी क्वांटिटी की वजह से इसका मतलब तुमने ज्यादा इस्तेमाल किया है बॉस। हमने क्या सोचा था कि कितने केजी इस्तेमाल करेंगे, एक यूनिट बनाने के लिए 5 केजी, कितने केजी, 2 बनाने पे 10, 3 बनाने पे 15, कितने बना दिए, कितने केजी खर्च करने चाहिए थे, कितने केजी खर्च करने चाहिए थे 500। फिर से सर मैंने क्या सोचा, एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगते हैं, 2 पे 10, 3 पे 15, कितने बना दिए, कितने मटेरियल खर्च करना चाहिए था 500 केजी, आपने कितने किए 40 केजी, क्यों ज्यादा कर दिए भाई, वेस्टेज किए क्या, लॉजिक क्लियर, मटेरियल खराब किया है क्या, लॉजिक क्लियर, कितने केजी ज्यादा, मटेरियल ज्यादा लगा दिया तो कॉस्ट भी ज्यादा हो गई, वेरियंस किस में आ गया, एडवर्स के अंदर, ज्यादा मटेरियल लगना तो गलत बात है ना, जो बोला गया उतने लगाओ ना यार, तो ये वेरियंस मेरा किसमें कहलाएगा, ये वेरियंस कहलाता है मेरा मटेरियल का यूसेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल का यूसेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस, बात मानते हैं, बात मानते हैं, सर सुने आइए सॉल्व कराइए। सर मैंने क्या सोचा था, जो भी जमाने कलामी आप लोगों ने किया मुझे लिख के बताओ, मैंने क्या सोचा था एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे, 5 केजी, मैंने क्या सोचा था एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे, 5, 2 के लिए 10, 3 के लिए 15, कितने यूनिट बना दिए, 100, तो सर कितने केजी में काम होना चाहिए था, 500 में, लेकिन मेरा भाई आपने कितने केजी लगा दिए, कितने लगा दिए, 540, कितने लगा दिए, कितने ज्यादा, 40 ज्यादा, सर मटेरियल ज्यादा तो कॉस्ट भी ज्यादा, मतलब वेरियंस किस में आ गया, एडवर्स के अंदर। सर एक केजी कितने का, सर 2 पैसे हैं, दो किस्म की प्राइस है, एक स्टैंडर्ड 6 रुपए, यानी कि एस्टिमेट, एक्चुअल कितनी क्या लूं, 6.8 की 6। सर हम इसने दुकान वाले ने जो प्राइसिंग दी है कुर्सी की वो किस बेस पे दी है, स्टैंडर्ड की बेस पे, लेकिन फिर एक्चुअल में फर्क आ गया, वो वेरियंस यहां पे चला गया, एग्रीड, यहां पे किसका फर्क कैलकुलेट किया जा रहा है, इस्तेमाल करने का, यूजेज का, तो दुकान वाले ने कैलकुलेशन की बेस क्या बनाई थी, स्टैंडर्ड, तो मल्टीप्लाई भी किससे किया जाएगा सर, स्टैंडर्ड से, वरना तो टाइम नहीं हो पाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वरना तो टाइम नहीं हो पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। कितना आंसर आया मेरा भाई, 240 एडवर्स, क्यों एडवर्स, ज्यादा मटेरियल लग गया यार, 500 केजी लगाने थे, कितने लगा दिए तुमने, 540 केजी, लड़के फॉर्मूला बताओ। सर वेरियंस की डेफिनेशन क्या है, यहां लिखी थी मैंने डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल, या स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल, आओ सर, सर ये क्या है, पर वो तो है क्या, स्टैंडर्ड, सुनो जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर वन यूनिट मल्टीप्लाई, ये क्या बॉस, एक्चुअल प्रोडक्शन, खूबसूरत बात कर रहे हैं माशाल्लाह, माइनस, लड़के ये क्या है,
एक्चुअल मटेरियल यूज। सर क्या बनी डेफिनेशन? आओ जी, डिफरेंस बिटवीन, माइनस का अंदर डिफरेंस होता ना, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल हो गया। मल्टीप्लाई बाय, लड़के छह किया था मेरे पास, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, तो ये बॉस मेरे पास फॉर्मूला बनता है मटेरियल वेरिएंस का। भाइयों क्या समझ में आया सबों के? क्या कोई परेशानी, क्या कोई दिक्कत है? सर सुने, सर सेठ पूछेगा भाई क्यों एडवर्स वेरिएंस आया, जवाब तो दो, एनालिसिस तो करो, इंटरप्रिटेशन तो करो, वजह 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 वजह। सर हो सकता है, वजह बताओ। तो वो तो प्राइस में आ गया ना मटेरियल महंगा। सर ये तो इस्तेमाल वाला है, वो तो मैंने बता दिया ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ बेस्ट है, सब लेबर पूछेगा, मालिक पूछेगा क्यों भाई, क्या मतलब मजाक चल रहा है, लेबर को बोलो काम करो, तनख्वाह लो, मजाक चल रहा है, क्यों जाया कर रहे हैं? यस फर्स्ट पॉइंट, सर लेबर आपने अनाड़ी रखी हुई है, लेबर एक्सपीरियंस नहीं है लेबर में, लो क्वालिटी, व्हाट लो क्वालिटी मटेरियल। सर आप सस्ता मटेरियल, मटेरियल तो बहुत महंगा हो गया था भाई, आप महंगा लिया आपने, लेकिन ये महंगों में भी सस्ता वाला लिया मटेरियल, तो अच्छा वाला जो तुमने रेट लगाया, अच्छा वाला, ये जो 5 kg लगेंगे एक यूनिट बनाने के लिए, सर ये अच्छा वाला मटेरियल लगेगा, और इस जमाने में जब हमने रेट कोट किया था ये अच्छा वाला था, लेकिन अब अच्छा वाला बहुत महंगा हो गया, ये तो बेकार वाला मिला, एग्री करते हो? तो सस्ता मटेरियल लाने के चक्कर में सही है आपने खराब मटेरियल लिया है, जिसकी वजह से वेस्टेज बढ़ी। गुड पॉइंट, यही लिखना है, मैं पेपर में यही लिखना है, अभी हम करेंगे ना, यही लिखना है। और एक आध और बता दो, सही कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि जैसे हम अभी जैसे मैंने लेबर करा था, तो लेबर में भी ये आएगा और फिर मटेरियल में भी आ रहा? हाँ तो सिनेरियो में पढ़ेंगे ना हम लोग, बिल्कुल सिनेरियो में पढ़ेंगे। और एक और पॉइंट और बताओ, फिर कॉपी करेंगे। एक और बताओ रिकॉर्डिंग वाले, आप भी सोच लो, सर एडवर्स वेरियंस क्यों हो रहा है? सर मशीनें पुरानी हो गई हैं, मटेरियल का वेस्टेज कर रही हैं वो, बात मानते हो? सर ये जो प्रोडक्ट बनता है वो मशीन से बनता है, और बीच में लाइट चली जाती है, इसकी वजह से मशीन बस फंस जाती है, सारा मटेरियल जो आधा बना होता है उसको निकाल के फेंकना पड़ता है, फिर नया मटेरियल डालना पड़ता है, ऐसा टेक्सटाइल में होता है, बेसिकली टेक्सटाइल वगैरह में होता है। वो ये होता है कि जब यान वगैरह धागा सिल रहा होता है ना, लाइट चली जाती है, मशीन रुकती है, तो धागा टूट जाता है, वो सारा खराब हो गया। डन, और बात समझ आई मैंने क्या बोला? बात समझ आई सर मैंने क्या बोला? सही, ये सारी इंटरप्रिटेशन लिखनी है, कॉमन सेंस है, कोई F5 नहीं है, कॉमन सेंस है, ये हम पढ़ते रहेंगे, अभी दिमाग खुल जाएगा, पेपर में यूँ करेंगे। अंग्रेजी लिखना तुम्हारा काम है, ड्राफ्टिंग अंग्रेजी लिखोगे, चलो माशाल्लाह तुम लोग लिख रहे हो, रिकॉर्डिंग वाले आप भी लिखो, जिगरा पड़ेगा उससे, लिखना आएगा, चीज़ें हमारे माइंड में सब है, हमें पता है सर एडवर्स क्यों आ रहा है, फेवर क्यों आ रहा है। फिट है, फिट है, चले बॉस कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले बॉस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर भाई आप लोग के पास एक अदद हैंडआउट है, सर आप लोग के पास एक अदद हैंडआउट है, उसका क्वेश्चन नंबर P1। सर आप लोग के पास एक अदद हैंडआउट है जनाब, उसका क्वेश्चन नंबर P1। जी सर आप लोग के पास हैंडआउट है सर, उसका क्वेश्चन नंबर P1। फॉर्मूला मैंने मिटा दिया। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मटेरियल। चले बॉस पढ़ें क्या? हैं जी चले सर आप लोग के पास एक अदर सवाल है, पढ़ लें इसको। ए लिमिटेड, सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट दी फॉलोइंग वेरियंसेस। सर कौन कौन से वेरियंसेस हैं? मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस और मटेरियल का टोटल वेरियंस। ठीक हो गया। हाँ हाँ, A Limited has provided you the following information for the month of January 22. Standard for 1 unit, sir, एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्या है? एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे? 2.4 kg, और एक केजी कितने का है? $12 का। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सर कितने यूनिट बना डाले आपने? 2420। अच्छा जी, एक्चुअल में मटेरियल इस्तेमाल कितना किया आपने? 5952। और एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 69638.4।
4. चलें बॉस मटेरियल प्राइस वेरिएंस में मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने चला. सर वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. सर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. आइए सर, आइए. सर स्टैंडर्ड क्या है? एक यूनिट बनाने के लिए. सर स्टैंडर्ड क्या है? एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे? 2.4 केजी. एक केजी कितने का? $12 का. सर कितने हो गई? मल्टीप्लाई मारो. 28.8. एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है बॉस? 28.8 मल्टीप्लाई बाय. सर एक यूनिट बनाने के लिए 28.8. दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, कितने यूनिट बना डाले आपने? 2420. खूबसूरत बात. 6969. बस. लेकिन एक्चुअल में कितना मटेरियल लगाया सर आपने? 6963 8.4. सर ज्यादा लगा कि कम लगा? कम लगा. फेवर में आ गया. कितना कम? 57.6. फेवर में आ गया. मानते कि नहीं मानते? 6. सर मानते कि नहीं मानते? भाइयों दोस्तों बुजुर्गो मानते कि नहीं मानते? आगे बढ़ जाए. सर अगला है मेरे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस. सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सर डेफिनेशन क्या है मेरे पास? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल. सर स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? मैंने क्या सोचा था 1 kg कितने का मिलेगा? $12 का. हकीकत में एक्चुअल में कितने का मिला? आइए सर एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 69638.4 डिवाइडेड बाय कितने केजी सर? 5952. सर देखना बच्चा ना गलती करता है इस मामले में. यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देता है. मटेरियल केजी में खरीदा जाता है, लीटर में खरीदा जाता है, गैलन में खरीदा जाता है, प्रोडक्ट यूनिट में तैयार होता है. एग्री करते हो? तो हमें मटेरियल का ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेना पड़ेगा. कितना सर डिवाइड करें केजी कितने का? सर हकीकत में केजी कितने का मिला? हकीकत में केजी मिला सर 11.7 का. हमने क्या सोचा था कितने का मिलेगा? 12 का. मिला कितने का? 11.7 का. कम का मिला. कितना कम का मिला? 0.3. तो वेरिएंस किसमें आ गया मेरे पास? फेवरेबल के अंदर. किसमें आ गया? फेवरेबल के अंदर. मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मटेरियल मैंने कितना इस्तेमाल किया? एक्चुअल मटेरियल यूज 5920. बॉस वेरिएंस कितना फेवरेबल के अंदर? फेवरेबल. मानते कि नहीं मानते? गलत है. 5952. आई एम सॉरी 5952 आंसर यही है. सॉरी कितना? 178.5. ऐसा? चलो सर दूसरा वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस. बॉस सुने हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया? एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे? 2.4 केजी. सर एक बनाया 2.4, दो बनाया, तीन बनाया, चार बनाया. सर कितने यूनिट बना डाले? कितने केजी लगने चाहिए थे लड़के? मल्टीप्लाई मारो जरा. सर कितने केजी लगने चाहिए थे? 5.8. लेकिन हकीकत में हमने कितने केजी लगाए बॉस? सर ज्यादा लगाए. सर हकीकत में हमने ज्यादा केजी लगाए. मानते कि नहीं मानते? वेरिएंस एडवर्स और स्टैंडर्ड डेट कितना मेरे पास? $12. आंसर प्लीज. 1344. ज्यादा लगा दी एडवर्स. सर नेट करके देखो टाई हो रहा है. नहीं हो रहा? नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? भंडवारा कोई ऐड कर रहे हो, लेस कर रहे हो? सर एक एडवर्स है, एक फेवर है. तो कुछ तो क्या किया? देखो होना नहीं चाहिए सर, ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. बेइज्जती करवा रहे हो तुम लोग यार. या देखो ना नंबर ही गलत दिख रहा है यार. एक्चुअल में कितना मटेरियल इस्तेमाल किया?
595. तो इधर क्या लिखवाया? सर कितना लिखवाया? नंबर ही गलत लिखवाया ना सर, कितना? 5952. अब कितना? 17. अब करो, अब हो जाएगा सही है. डेने बॉस सर, इंटरप्रिटेशन बताओ सर, ये फेवर में आ रहा है वो एडवर्स आ रहा है? एनालिसिस ये फेवर में, मटेरियल में सस्ता भी लिया. दो तीन वजूहत, वजूहत एक हमें डिस्काउंट में लिया होगा, दूसरा हमने चीप मटेरियल ले लिया होगा. एग्रीड, वहां पे आ जाओ सर. कितने लगने चाहिए थे केजी? 5808 ज्यादा लगा दिए. वजह? चीप मटेरियल लिया तो उसकी क्वालिटी खराब. क्वालिटी एग्रीड. और सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा कारोबार के अंदर? सर आपने चीप मटेरियल लगाया, क्वालिटी खराब हुई, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी. प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी. एग्री करते? कस्टमर नाराज होगा, कस्टमर भागेगा, कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, बिजनेस डाउन होगा. एग्री करते हो? गुडविल खराब होगी. ये सारी इंटरप्रिटेशन आनी है, कॉमन है सर. ये कॉमन दुकान वाली सोच होनी चाहिए, कारोबार वाली सोच. सब लिख दोगे, सब लिख दोगे. एग्री कर दो? yes, एग्री कर दो सर. ये भी हो सकता है लेबर का भी हम लिख सकते हैं. सर लेबर आपकी सही नहीं है, थर्ड क्लास लेबर है तो वेस्टेज ज्यादा कर रही है मटेरियल की. एग्री कर दो. कंट्रोल प्रोसीजर नहीं है. जिस तरह हम लोग टेक्सटाइल में थे, मैंने 4 साल यूनुस टेक्सटाइल में गुजारा है, तो वहां पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था सर, केमिकल होते थे जो कपड़े पे डलते थे, केमिकल लेकर आते थे स्टोर के अंदर, जो केमिकल बच जाता था उसको नाली में बहा देते थे. वेस्टेज, यूजेज मेटेरियल ज्यादा. कुछ सुनने वाले नहीं, कोई देखने वाले नहीं है. खैर है, जाने दो, खैर है, जाने दो. एग्री कर दो? एग्री कर दो सर. क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम. एग्रीड, एग्रीड. चले सर आगे, इसको कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं. चले सर आगे बढ़ते हैं. बॉस मुझे एक बात बताइए, जरा थोड़ी सी मैथ्स यूज करते हैं, थोड़ी सी मैथ्स. मैथ्स देखो, एडवर्स आ रहा है, फेवर आ रहा है, मैं साइन नहीं बता रहा आपको, ना प्लस बताया ना आपको मैंने माइनस बताया, हम लोग कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं. लेकिन अगर साइन को इनकॉर्पोरेट करना चाहूं सर, यहाँ पे क्या साइन आएगी? प्लस के माइनस. मैथ्स, मैथ्स दोनों माइनस हो रहे हैं. बड़ा नंबर कौन सा है? ये है. इसके पास कुछ भी नहीं है तो प्लस, तो यहाँ भी प्लस. मैथ्स था प्योर मैथ्स. इधर आओ, इधर कौन सी साइन आएगी? दो माइनस हो रहे हैं. बड़ा नंबर कौन सा है? ये है. इसके पास माइनस है तो यहाँ भी माइनस. एग्री कर दो सर. अगर मैं आपको, अगर मैं आपको यहाँ पे ये वेरियंस कितना है? 1785.6. फेवरेबल है सर. फेवरेबल है तो प्लस की माइनस. फेवरेबल का मतलब कि एक्चुअल में प्राइस कम हो रही है, स्टैंडर्ड ज्यादा, एक्चुअल कम. इसके साथ कम के साथ माइनस है, ज्यादा के साथ प्लस है, तो ये भी प्लस. एग्री. मैं आपको वेरियंस निकाल के दे दूं, मैं आपको कोई सा भी एक नंबर छुपा दूं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये छुपा दिया, निकाल लोगे? मैथ सर, स्कूल 6th class 5th class मैथ्स इधर उधर फेंक के कैसे सर? 1785. ये मल्टीप्लाई इधर आके कर लेंगे सर, आप क्या टेंशन है. कैलकुलेटर में खैर पूरा नंबर डालो, एक्स बना दो, तब भी आंसर आ जाता है. हाँ के ना, हाँ के ना. एग्रीड. सेम उधर भी ऐसा ही है. इधर सर वेरियंस कितना आ रहा है? 1728. एडवर्स, एडवर्स का मतलब एक्चुअल ज्यादा. इसके साथ कौन सा नंबर है? माइनस. तो यहाँ पे भी कौन सा? माइनस. कोई सा भी एक नंबर छुपा दो, ये नंबर छुपा दो, निकाल लोगे? मैथ सर, सारे नंबर दे दें, एक छुपा दे, मजे से निकालेंगे. एग्री करते हो? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू लड़के, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू भाइयों, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू. यस बॉस, पढ़े क्या सर? क्या क्या रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू के अंदर? सर रिक्वायरमेंट में है मेरे पास कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी. बॉस क्या है रिक्वायरमेंट के अंदर? कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी और एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस. बोले तो वेरियंस नहीं बोल रहा, बीच की चीजें मुझसे पूछ रहा है. सवाल, बी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च. सर जब भी ऐसा मिसिंग डेटा वाला सवाल आए तो क्या करो एग्जाम के अंदर? सर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, जो जो इंफॉर्मेशन पता है वो डाल दो.
फॉर्मूले लिख लो, जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो डाल दो, देखो क्या क्या पता है। मटेरियल प्राइस वेरियंस, सर मटेरियल प्राइस वेरियंस मुझे निकाल के दे रहा है, कितना है बॉस? 65625। सर मटेरियल प्राइस वेरियंस ये रहा, ये रहा, कितना है सर मेरे पास? 65625। सर कौन सा ये मेरे पास फेवरेबल? फेवरेबल मतलब प्लस के माइनस? फेवरेबल कब होता है? जब एक्चुअल में प्राइस कम हो जाती है। ये वाला नंबर कम होगा, ये वाला नंबर ज्यादा होगा, यहां पे प्लस तो यहां पे भी प्लस। खूबसूरत। आगे सर मटेरियल यूजेज वेरियंस कितना है बॉस मेरे पास? 28,000। एडवर्स, एडवर्स का मतलब आपने एक्चुअल में ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल किया, ये वाला नंबर ज्यादा, यहां पे कौन सी साइन है? माइनस, तो यहां पे भी माइनस। मानते कि नहीं मानते? आगे सर स्टैंडर्ड क्या है? एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहे हैं? स्टैंडर्ड क्या है एक यूनिट बनाने के लिए? 16 केजी। आगे एक केजी कितने का? मुझको नहीं पता। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस? मुझको नहीं पता। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मुझे पता है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट एग्री करते हो? कितनी सर? 1089375। हां के ना? Yes, आगे एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड, सर एक्चुअल में मटेरियल कितना इस्तेमाल किया? 52,500। एक्चुअल में मटेरियल कितना इस्तेमाल किया? 52,500। मानते हो कि नहीं? Yes, सर एक्चुअल मटेरियल, एक्चुअल प्राइस पर केजी निकल जाएगी? एक्चुअल मटेरियल कितना इस्तेमाल किया? 1089375। उसकी कॉस्ट थी कितनी? 1089375। और सर कितने केजी? 52,500। लड़के कितना? एक्चुअल प्राइस 20.7। एक्चुअल प्राइस कितनी बॉस? 20.7। एक्चुअल मटेरियल कितने का? 20.75। एक्चुअल प्राइस पर केजी 20.75। बस। हाँ बॉय, सर यहाँ पे दो चीजें नोन है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। दुनिया का कोई माइकल नहीं निकाल सकता। एक चीज नोन तो निकालेंगे ना भाई? यस, ये निकल आएगा बॉस। मैथ्स एक ही चीज नोन है, निकाल लेंगे मजे से। और लड़के 65625 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इधर फेंकोगे तो डिवाइड इज इक्वल टू x माइनस 20.75। बॉस डिवाइड मारो कितना? 1.25। आंसर निकाल दिया, ये डिवाइड किया कितना? 1.25। सर ये माइनस का इज इक्वल टू किधर आएगा? तो प्लस का हो जाएगा। सॉल्व हो गया बॉस। कितना सर x मेरे पास क्या निकला और x था क्या मेरे पास? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कितना लड़के? 22। खूबसूरत। 22 क्या नहीं है बॉस? वो स्टैंडर्ड प्राइस। सर एक चीज सुन लो, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 22। एक्चुअल कितनी है? 20। एक्चुअल कम? यस सर। स्टैंडर्ड ज्यादा? यस सर। प्राइस वेरिएंस किसमें आएगा? फेवर में। फेवर था इस सवाल में? यस सर। बस ये चेक कर लिया करो, वरना मतलब प्लस माइनस में ना वो कर देता है, गड़बड़ कर देता है, ये ख्याल कर लिया करो। इधर आओ लड़के। सर 22 स्टैंडर्ड प्राइस मैंने उठा के लिख दिया, ये मुझको नहीं पता। एक्स बना लो, अब बॉस सॉल्व करेंगे। माइनस का 28,600 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू किधर आएगा? तो डिवाइड 16x माइनस 52,500। लड़के डिवाइड करो कितना? 1300। सर ये माइनस का इज इक्वल टू किधर आएगा? तो प्लस का हो जाएगा। ये इधर ये कर दो, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। बस सर आंसर दे दो। एक्स कितना मेरे पास? श्योर प्लस माइनस सही है ना भाई? ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हुआ होगा पक्का ना? 3000 3200 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन 3200। देख लो भाई तुम सही क्या नहीं किया। नहीं नहीं भरोसा नहीं है। ये वेरियंस हमारे पास एडवर्स में था ना? यस।
ठीक है चले सर, डन डन हो गया बॉस। चले सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी लेबर के वेरिएंसेस के साथ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।